PSG 2 Nice 1। तो कल था मैच लीग वन, रात को 12:30 बजे। वही वाली लीग जिसमें लोग बाल शेव करा रहे हैं, स्विमिंग पूल में बैठ के मैच देख रहे हैं। हाँ, वही वाली लीग। और नेमार और मेसी ने स्टार्ट किया था, एम्बाप्पे बेंच पे था, उसको कोई हिप इंजरी है पता नहीं। और साथ में यंगस्टर था मुकियेले उनका, और मिडफील्ड में विटिनिया और फैबियन रुइस। वेराटी सस्पेंडेड है, कार्ड के 5 या 3 कार्ड जितने भी होते हैं उसको मिल चुके हैं वो। और डोनारुमा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो गोलकीपर सेव अच्छे करता है, बट वो कुछ कांड करेगा चैंपियंस लीग में, कांड करेगा वो कुछ। और डिफेंस में वही हमारे रामोस, इंसान लग रहा है रामोस, बाल कटा लिए उसने। और मार्किन्योस और एकिटाके, कि मुकियेले, मैं नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ पता नहीं दोनों का। और सामने नीस तो प्रीमियर लीग 11 थी भैया, कती रॉस बार्कली है उसमें, निकोलस पेपे, श्माइकल गोल में, रैमजी खेल रहा है। और क्रूज मैट का एक बहुत अच्छा ट्वीट भी था, फनी था बहुत, कि उस वो बोल रहा था कि नीस में ये सब प्लेयर है तो मैं इसको एक प्रीमियर लीग साइड कंसीडर कर रहा हूँ। और रोनाल्डो से ज़्यादा गोल मारा उसने प्रीमियर लीग साइड के अगेंस्ट, तो फनी था वो। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन बेल नहीं उड़ाएंगी। तो मैच स्टार्ट हुआ तो नीस ने कंट्रोल किया पहले 10-15 मिनट, और पता नहीं फिर मेरे को याद नहीं कि कोई फाउल के बाद से बिल्कुल मोमेंटम शिफ्ट हो गया। मैसी का ट्रिकल, 2011 मैसी खेल रहा था, ट्रिपल पास 1 2 3, और फ्री किक मिली उसको पहले 15-20 मिनट में, लेकिन वाइड चली गई वो। फिर उसके बाद एक मिस्टेक थी नीस की मिडफील्ड में, मैसी ने कलेक्ट की बॉल और उसने डायरेक्ट रन किया गोल की तरफ, ड्रिबल पास्ट 1, और फिर सेकंड वाले ने उसको फाउल कर दिया बॉक्स के बाहर से। और फाउल भाई बहुत गंदा फाउल था, फाउल के पहले वो वाला फाउल था वो। और मैसी ने वही क्लासिक मैसी फ्री किक, टॉप बिन्स, स्पिन बहुत अच्छी हुई बॉल, और गोल कीपर वहीं रह गया खड़ा। पहला गोल PSG के लिए फ्री किक से, बहुत बड़ा ड्राउट था उसका 1-1.5 साल से, और अब 2 मैच में 2 फ्री किक मार दी उसने, 60 फ्री किक गोल्स कैरियर के। और फिर उसके बाद 2-3 अच्छे रन थे मैसी के, और उसके बाद ड्रिबलिंग, उसके 5 सक्सेसफुल ट्रिपल थे, 60-70 टचेज में लिए उसने कल मैच में, और 5 की 6 सक्सेस ट्रिपल थे उसके। और फर्स्ट हाफ का मैन ऑफ द मैच तो बहुत स्ट्रॉन्ग ख़त्म किया PSG ने फर्स्ट हाफ। लग रहा था कि सेकंड हाफ में तो गांड मार देंगे उनकी, नीस की आग मूत रहा था मैसी लिटरली। और उसके बाद हाफ टाइम के बाद नीस को पता नहीं क्या हो गया, क्या कोच ने उनके ड्रेसिंग रूम में पिलाया या खिलाया उनको, चढ़ गई PSG पे कतई। 15-20 मिनट इक्वलाइज कर दिया वो, बेकार डिफेंडिंग की है उसने, उन्होंने वो जो था हमारा रामोस बहुत आगे था डिफेंसिवली, वो आपको पता है कि कब कभी हरकतें करता है अपनी। और वो जो यंग डिफेंडर था मुखिया लैकी टाके, मैं दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ, उसके सामने बॉल बाउंस और उसको मिस्टेक हो गई, उससे जज नहीं कर पाया बॉल, और पीछे इजी फिनिश था। उसके बाद नीस ने रखा पोजेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई उनको। और फिर एम्बाप्पे जी हमारे बॉक्स सब्स्टिट्यूट हुए अंदर, और आज एम्बाप्पे की ले रहे हैं सारे लोग। पिछले जब से उसने रिन्यू किया PSG के साथ, बेसिकली सारे बोल रहे सेल्फिश है उसकी हर एक बात। फिर फ्रेंच टीम के साथ पंगा हो गया फोटोज फोटो राइट्स के लिए। फिर उसके बाद मैसी को पास नहीं दे रहा, पेनल्टी गेट हो गया, लेकिन आज भी मैसी की फ्री किक करते सेलिब्रेट कर रहा था वो। और फिर आया और विनिंग गोल भी मारा उसने 2-1। फिर मैसी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो जेल हो रही है टीम, मैसी, नेमार, नेमार की थोड़ी टंडी गेम थी कल, लेकिन ब्लेम नहीं करेंगे ज़्यादा उसको। PSG की इतनी खास एज ए टीम गेम थी नहीं, तो नेमार को कल ब्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद रेनाटो सांचेस फिर इंजर्ड हो गया, पोर्चुगल के लिए बिग ब्लो हो सकता है ये, अगर ये सीरियस इंजरी हुई तो। और PSG
अगर ऐसी खेलेगी तो मेरे को तो नहीं लगता चैंपियंस लीग में जाए दूर जाएगी वो क्वार्टर फाइनल्स, क्योंकि प्रैग्मेटिक नहीं है वो, खुल जाती है आसानी से एक बॉल ओवर द टॉप और या फिर विंग्स पे एक बंदे को बीट करो क्रॉस डालो। डोनारूमा भी रिलायबल नहीं लगता मेरे को, पता नहीं लगता घुटा भी है उसने। और हाँ यही था मैच, नेक्स्ट वीक बेनफिका के साथ है, देखते हैं क्या बनता है। ओटामेंडी वर्सेस मैसी, बस इंजर्ड ना कर दे मैसी को, तो देखते हैं।